हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? तो बहुत सारे हमारे प्यारे रसगुल्ले ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर क्या आपकी बार बहुत ज़्यादा नंबर काटे जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब की बार आधे से ज़्यादा बच्चों को फेल किया जा रहा है, सबके नंबर काट दिए जा रहे हैं। तो एक बात बताना रसगुल्लों, क्या किसी को पागल कुत्ते ने काट रखा है जो वहां पर टीचर आपको लगातार फेल कर देंगे? आप लोग बेवजह के परेशान रहते हैं। तो सोचा क्यों ना आज आपके सारे डाउट को, आपके मन में चल रही ये हड़बड़ी जो है ना, उसको अपन शांत कर देते हैं। आपको बता दें, आपके कॉपी जो चेकिंग करने का प्रोसेस है वो दो दिन कंप्लीट हो चुका है और आज है रसगुल्लों तीसरा दिन। और बात करें बच्चों, आपके दो दिन में ही आपकी 30 लाख कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है। 3.19 करोड़ में से इतने मतलब 30 लाख कॉपियों का मूल्यांकन दो दिन के अंदर हो चुका है और आज तीसरा दिन है। और हम बात करें बच्चों, तो इसमें जो बहुत सारे बच्चे मतलब परेशान है, इतना ज्यादा डेली ऐसी न्यूज देखकर अपना दिमाग खराब कर रहे हैं कि इस बार नंबर बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फेल किए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी महज दो ही दिन हुआ है आपके कॉपी जचने का प्रोसेस। आप हम साइड में हट जाते हैं और स्क्रीन पर लगा दिया है, इसको रोक कर अच्छे से पढ़ लेना क्या मैटर है, कैसा है बच्चों, ताकि आपका जो आपके अंदर ये इतना बेचैनी है ना, वो दूर हो सके। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नंबर नहीं काटे जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने शुरू में ही बताया था रसगुल्लों, जिसकी हैंड राइटिंग क्या है, अच्छी है, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है ना बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है, हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक। और उसके साथ साथ हैंडराइटिंग के साथ साथ आपने बहुत ज्यादा काट पीट नहीं किया है पेपर में, तो देन ये मान के चलिए आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई कॉपी इतने ही बढ़िया तरीके से चेकिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरास हैं, साथ ही वॉइस रिकॉर्डर वगैरह है। और उसके अलावा पहली बार ऐसा है कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट हर एक सेंटर पर बैठाए गए हैं, तो ऐसे समय में कॉपी जो जचने का प्रोसेस है बहुत ही विधिवत तरीके से हो रहा है, ताकि मनमानी न कर सकें, किसी बच्चे को ऐसा नहीं कि पैसे के चक्कर में ज़्यादा नंबर दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉपी बढ़िया तरीके से चेक हो रही है। तो अगर आपने इन बातों का ध्यान दिया, हैंडराइटिंग अच्छी है, रसगुल्लों काटपीट ज्यादा नहीं किया है, तो महज आप मान के चलिए बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटेज तो नहीं, लेकिन फेल नहीं होंगे डेफिनेटली, आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक। हालांकि इसमें कुछ ऐसी घटनाएं निकल कर आती हैं, अब की बार भी ये जो हमें स्क्रीनशॉट लगाया था उसमें आप रोक कर देखिए, उसमें अब की बार भी हर साल की तरह, क्योंकि हर साल कुछ नई नई घटनाएं और नई नई ऐसी कहानियां आती हैं जो भाई साहब हमेशा हाईलाइट हो जाती हैं और हमेशा उजागर आ जाती हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अब की बार ऐसा कर रहे हैं कि सर जी मुझे पास करवा दीजिए, नहीं तो मेरी शादी नहीं होगी। कहने का मतलब, फेल हो गए तो भाई साहब वो बंदा कुंवारा रह जाएगा। तो प्रभु, ऐसे टीचर अगर सुन रहे हैं तो पास करवा दीजिए, बेचारे की शादी रुक रही है। तो ऐसा बहुत ऐसी कॉपियां मिली जिनमें बच्चों का यही कहना कि प्लीज गुरुजी हमें पास कर दीजिए, नहीं तो मेरी शादी नहीं हुई। तो कहीं और कई वहीं पर ऐसा रोना रो रहे हैं कि अब की बार अगर आपने फेल कर दिया सर, तो समझ लीजिए हम अब दोबारा लाइफ में कभी किताब नहीं उठाएंगे, पहले ही एक बार फेल है, दो बार फेल है, अगर आपकी फेल कर दिया तो जिंदगी में हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसी और प्यार भरी घटनाएं ऐसी हैं कि सर मेरा लड़की के साथ क्या है, थोड़ा ज्यादा ही लगाव हो गया इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, और प्लीज मुझे फेल मत करना। तो ऐसी ऐसी मजेदार कहानियां भी आती रहती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना। हमने बताया ना कि भाई साल भर जो मजाक मस्ती करेगा क्या होगा, उसके साथ तो यही होना है, ठीक। बाकी जिन्होंने अच्छी कॉपी लिखी है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को किया है, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके नंबर कटेंगे क्या। और आपको बता दें बच्चों, ये आपका 18, ठीक है ना, 18 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक, ठीक, 1 अप्रैल तक रसगुल्लों आपका जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है ये होगा। तो रिजल्ट के बारे में अभी सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए, 1 अप्रैल तक तो आपकी कॉपी चेक होगी और उसके बाद आपके नंबर सिस्टमेटिक ढंग से क्या है उसका चढ़ाने में
कंप्यूटर पे कुछ वक्त लगेगा, तो ये मान के चलिए अप्रैल के लास्ट वीक में अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मई के पहले कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, क्योंकि जो नया सेमेस्टर है, नया सत्र है, वो स्टार्ट हो सके जल्द से जल्द अप्रैल में ही। इसलिए कोशिश जरूर उनकी होगी यूपी बोर्ड की तरफ से कि आपके रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएंगे। तो बस ऐसे ही हम भी थोड़ा इसी बातों से परेशान थे, बच्चों के कमेंट को देख करके सोचा क्यों ना रसगुल्लों को थोड़ा संतुष्टि दे दें ताकि उनका भी मन थोड़ा शांत हो जाए, कुछ हल्का हो जाए। तो ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है कि इंटर के बाद आपको क्या करना है, तो उस टॉपिक पर भी आप अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना रसगुल्लों, आपके लिए हम वीडियो जल्द लाएंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।